साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, युवा मोर्चा वाले ऐसे बोलेंगे क्या? अभी अभी कुछ दिन पहले हमारे 45 जवानों का हमला करकर उनको शहीद करने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है। आवाज सुनकर उनकी दिल की धड़कनें रुक जाए, ऐसे प्रचंड आवाज से बोलना है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान सर्वानंद सोनवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री रंजीत दास जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव जी, हमारे लोकप्रिय नेता और वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव भाजपा और सांसद रमन डेका जी, असम युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनूप बर्मन जी, बरुआ जी हमारे सांसद, सांसद डिब्रूगढ़ रामेश्वर तेली जी, सांसद तेजपुर श्री आरपी शर्मा जी, सांसद जोरहाट कामाख्या तासा जी, भाजपा के नेता दिलीप साइकिया जी, हमारे संगठन मंत्री फणीनाथ जी, यहां के जिला अध्यक्ष श्री फणी बरुआ जी, और आज इस स्टेडियम के अंदर जहां तक नजर जाए वहां तक लाख से ज्यादा संख्या में उपस्थित आसाम के मेरे प्रिय युवा मित्रों, भाइयों और बहनों। मैं सुबह सोच रहा था कि मौसम की समाचार है कि बारिश होगी, बारिश हो भी रही थी। मैं आया, एक अद्भुत दृश्य देखा, लगभग 1 लाख लोग अपनी कुर्सी सर पर रखकर यहां पर स्टेडियम के अंदर बैठे। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ताली मत बजाओ, मंच पर से जिन्होंने देखा है उसको ही मालूम पड़ेगा कि ये किसका भव्य दृश्य था। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है असम के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी का विकास नरेंद्र मोदी जी, हमारे सर्वानंद सोनवाल और हेमंत विश्व शर्मा के किए हुए विकास के कामों के आधार पर। मित्रों, आप सबका मैं कामाख्या की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। अभी अभी हमने पुलवामा के आतंकवादी हमले में जो 45 लोग शहीद हुए हैं, अपने जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दी, उसमें अपने आसाम का भी एक सपूत मानेश्वर बसुमत्री भी शहीद हुआ है। मानेश्वर जी और उनके साथी 44 शहीदों को हम सब हृदय से श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिवारों के प्रति शोकांजलि प्रसिद्ध करते हैं। मित्रों, ये कायरतापूर्ण हमला जो पाकिस्तान ने किया है, पाक प्रेरित आतंकवादियों ने किया है, सीआरपीएफ के 45 जवानों का जिसमें मृत्यु हुआ है, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला, क्योंकि इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, इस बार केंद्र में आपकी बनाई हुई भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। अगर कोई ये मन में सोच कर बैठा है कि एक हमला कर दिया, अचानक कायरतापूर्ण हमला कर दिया, 45 लोग हमारे मारे गए, हमारे जवान शहीद हुए, ये लड़ाई आप जीत जाओगे? चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या कश्मीर, आतंकवाद को हम मूल समेत उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की है। मित्रों,
नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति आतंकवाद को खत्म करने की विश्व के सभी नेताओं में सबसे प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति आतंकवाद के सामने लड़ने की अगर कोई एक नेता में है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी में है। आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रकार की लड़ाइयां, चाहे वो कूटनीतिक लड़ाई हो, चाहे गोली का जवाब गोली से देना हो, चाहे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, हर प्रकार का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। मित्रों, यहां पर आज मैं आया हूं, यहीं से हमारे सर्वानंद जी को आपने सांसद बनाकर भेजा था, मगर पार्टी ने एक निर्णय करा और उनको आधी टर्म से सांसद की जगह मुख्यमंत्री बनकर आना पड़ा। और आज सर्वानंद जी और हेमंत शर्मा की जोड़ी पूरे आसाम का विकास नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस तरह से करती है, मैं दोनों नेताओं को मंच पर से बधाई देना चाहता हूं। और परिणाम भी मिले, असम की जनता ने इसको स्वीकार किया है। अभी ऑटोनोमस काउंसिल की चुनाव हुआ, मैं कहना चाहता हूं जो लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध करते थे, आसाम की जनता ने उनको चुन चुन कर हराने का काम किया है। तीनों सीट, तीनों काउंसिल भारतीय जनता पार्टी जीती। पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव में भी हमारे विरोधियों ने भी सिटीजन अमेंडमेंट बिल को मुद्दा बनाया, हमने भी मुद्दा बनाया और असम गण परिषद समेत असम के सारी पार्टियां जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध करती थी, वो सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ करने का काम ये असम की महान जनता ने किया। मित्रों, मैं असम गण परिषद के मित्रों को भी कहना चाहता, असम की जनता कहां है वो समझ लीजिए, किस रास्ते पर है समझ लीजिए। कांग्रेस के मित्रों को भी कहना चाहता, असम गण परिषद पहले अकेले चुनाव लड़ी, लोकसभा का चुनाव लड़ी, कुछ नहीं हुआ, विधानसभा का चुनाव भाजपा के साथ लड़ी, सरकार में आई, भाजपा का साथ छोड़ दिया, पंचायत चुनाव अकेले लड़े, चुनाव हार गए और आज पूरे असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल का ध्वज फहर रहा है। असम की जनता शांति के साथ, असम की जनता विकास के साथ, असम की जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, असम की जनता सर्वानंद और हेमंत विश्व शर्मा के साथ। मित्रों, जो हमारा विरोध करते हैं, मुद्दों पर विरोध हो तब तो मैं मानूं, मैं आज कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और असम गण परिषद की सरकारें कोई कम समय नहीं रही है। 1985 से असम में एक एकॉर्ड बना था, 1985 से बना, 10 साल तक एजीपी की सरकार रही, 25 साल कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में 20 साल कांग्रेस की सरकार रही। असम एकॉर्ड का क्या किया था भाई, जरा असम की जनता को जवाब दीजिए। मैं असम के युवाओं को पूछना चाहता हूं, बताइए मुझे, ये एनआरसी लेकर आए थे क्या? नहीं। जरा जोर से बोलो, एनआरसी लेकर आए थे? नहीं। असम के अंदर से घुसपैठियों को रोकने का काम किया था? नहीं। सिर्फ एकॉर्ड साइन कर जनता को झूठलाने का, मूर्ख बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम एनआरसी लाए और घुसपैठ को भी रोकने का काम किया, हम असम को कश्मीर नहीं बनने देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। असम के अंदर से चाहे एक एनआरसी की प्रक्रिया हो, बार बार करनी पड़े, हम एनआरसी के माध्यम से असम के अंदर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध। क्लॉज सिक्स जो यहां की जनता के लिए बना था, उनकी भाषा
आसाम की भाषा, आसाम की संस्कृति, आसाम की धरोहर और आसाम की जनता के प्रतिनिधित्व को संवैधानिक प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने के लिए क्लॉज 6 बना था। कांग्रेस की सरकार ने क्लॉज 6 के लिए कुछ नहीं किया, असम गण परिषद ने भी क्लॉज 6 के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति क्लॉज 6 के लिए बनाई है, जिसकी रिपोर्ट आएगी और जैसे ही आप 19 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर फिर से लाओगे, भाषा, संस्कृति, धरोहर और प्रतिनिधित्व, ये सारी चीजों को समाहित करकर हम क्लॉज 6 को जमीन पर उतारने का काम करेंगे और आसाम एकॉर्ड को आगे बढ़ाने का काम। ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार चल रहा है मित्रों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जैसे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए आ रहा है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं आ रहा है, देश भर में जितने भी शरणार्थी हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, बिहार में हो, वो सब के लिए इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। और मैं कहना चाहता हूं, खुले मन से आजादी की जनता को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज आसाम के अंदर हो रहे हैं, अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं लाएंगे तो आसाम की जनता खतरे में पड़ने वाली है, ये बात मेरी याद है। और आसाम की जनता भी इसको समझ रही है, मगर कुछ लोग इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की सगड़ी पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मुझे भरोसा है आसाम की जनता उनको विफल करेगी। मित्रों, हमने 6 जनजातियों को, ओम, मोटक, मोरन, सुटिया, कोच राजवंशी और सहज गोष्ठी, ये 6 जातियों को भी जनजाति लान में लाने की प्रक्रिया ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और ये कांग्रेस पार्टी, यहां पर गोगाई साहब के बेटे बहुत आसाम आसाम करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, 55 साल गांधी नेहरू परिवार का शासन रहा, अपने अलावे किसी को भारत रत्न दिया है? महान गोपीनाथ जी को भारत रत्न दिया, लोकप्रिय गोपीनाथ जी को भारत रत्न दिया, भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पहली बार जिन्होंने आसाम को भारत से जोड़ रखा, वो गोपीनाथ जी को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आसाम की संस्कृति के ध्वजवाहक, जो आसाम के संगीत को, आसाम के गीतों को न केवल नॉर्थ ईस्ट, गुजरात तक पहुंचाने का काम किया, वो श्री भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार पूरे उत्तर पूर्व और आसाम के, पूरे नॉर्थ ईस्ट और आसाम के विकास को समर्पित सरकार है। और इसी का कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज कहीं पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं बची है, सुपड़ा साफ हो गया, सब जगह से हारे हैं। और आप देखिए, एक भी राज्य ऐसा नहीं बचेगा जहां रेलवे न पहुंची हो, एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां एयरपोर्ट न पहुंचा हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर पूर्व को रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट और रेलवे से जोड़ने का काम किया है। सिर्फ यही बजट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के बजट के अंदर हमने 21% की रिकॉर्ड वृद्धि, आजादी के बाद 5 साल में इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई, 21% की वृद्धि बजट के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। 60-70 साल तक इन लोगों ने शासन किया, मां ब्रह्मपुत्रा पर 3 ब्रिज बनाए थे, कितने बनाए थे बोलो भाई, जरा जोर से बोलो। हमने, उन्होंने 70 साल में 3 ब्रिज बनाए थे, हमने 5 साल के अंदर
तीन ब्रिज बना चुके हैं और पांच ब्रिज बनाने का काम चालू कर दिया है। बोगीबील का रेड रोड ब्रिज पूरे विश्व से इंजीनियर देखने को आते हैं कि किस प्रकार से यह बनाया है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने बोगीबील के एशिया के सबसे बड़े ब्रिज का उद्घाटन किया और अभी गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाले 6 लेन ब्रिज को भी नरेंद्र मोदी सरकार ने उद्घाटित किया। मित्रों, ये गोगोई साहब पूछते हैं भाजपा सरकार ने आसाम के लिए क्या किया। गोगोई साहब, आपकी उम्र हो गई मुख्यमंत्री रहते रहते 15 साल मुख्यमंत्री रहे आप, मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर आज मैं आसाम की जनता को जवाब देने आया हूं। आसाम की जनता हमारी माई बाप है, उसको जवाब देने आया हूं। केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र की सरकार ने 13th फाइनेंस कमीशन के अंदर आसाम को 79,000 करोड़ रुपया दिया था, सिर्फ 79,000 करोड़ रुपया। बोलो कितना दिया था, जोर से बोलो कितना दिया था। आपने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई, 14 फाइनेंस कमीशन आया और सिर्फ 14 फाइनेंस कमीशन में 79,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,55,000 करोड़ रुपया देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार। इसके अलावा 1,14,000 करोड़ के अलग अलग प्रकल्प, स्मार्ट सिटी गुवाहाटी के लिए 191 करोड़, रेलवे के लिए 90,000 करोड़, स्वच्छ भारत के लिए 84 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 99 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों की 400 करोड़, अटल मिशन 591 करोड़, टूरिज्म के लिए 227 करोड़, एम्स 1100 करोड़, रोड 15,000 करोड़, ग्राम सड़क योजना 5,000 करोड़, कुल मिलाकर दूसरा 1,14,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की। कैंपा फंड 100 करोड़ दिया, मुद्रा लोन 18,000 की दी, उदय की राशि 1,700 करोड़, आपके 79,000 करोड़ के सामने 2,94,286 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। 2,94,000, 3,00,000 करोड़ रुपया आसाम के विकास के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। मुद्रा बैंक में 48,00,000 युवाओं को लोन दिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर लगभग 26,00,000 गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 2,700 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। राहुल बाबा सुनते हो, आपकी 4 पीढ़ी के शासन के बाद 2,700 गांव ऐसे थे कि बिजली नहीं पहुंची थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी 2,700 गांव में बिजली पहुंचाकर आसाम के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया है। 16,00,000 से ज्यादा गरीबों को घर में बिजली पहुंचाई और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हर गरीब को 5,00,000 तक का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5,00,000, कोई भी गरीब हो, आसाम का कोई भी गरीब, कोई भी बड़ा रोग हो, 5,00,000 तक का खर्चा भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है और बाकी सारे लोगों के लिए 2,00,000 रुपया का खर्चा, 2,00,000 तक का खर्चा हमारी असम सरकार, सर्वानंद सोनवाल और हेमंत विश्व शर्मा की सरकार 2,00,000 तक का सरकार उठाती है। 95% आसामियों को, जनता को स्वास्थ्य के खर्चे से मुक्ति देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आसाम के चाय बागान के लोगों को नमक देने की प्रथा थी, नमक देकर अंग्रेजों ने उनके आयुष्य को कम करने का काम किया था। पहली बार नमक के साथ
चीनी और चावल देकर उनको लंबा जीने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और टी वर्करों के लिए, चाय बागान के मजदूरों के लिए आने वाले घोषणा पत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनेगी इसके लिए हम बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं, जैसे चाय बागान के मेरे भाइयों बहनों का जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मित्रों, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर टी गार्डन की मातृशक्ति, उनको जब प्रेगनेंसी होती थी, गर्भवती होती थी, छुट्टी नहीं मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6 महीने का छुट्टी और 12,000 रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। सभी 90 लाख टी वर्करों का, चाय बागान के मजदूरों का बैंक खाता खोलकर इसके अंदर 2500-2500 रुपया 2 बार डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और अभी अभी हर छोटे और सीमांत किसान के खाते में 6,000 रुपया मोदी जी वहां से दिल्ली से सीधा भेजने वाले हैं। मित्रों, ये हमारा हिसाब मांगते हैं। मैं हिसाब लेकर आया हूं, मगर आप लोग काफी समय से बैठे हैं, मेरे हाथ में 133 योजनाओं की सूची है, 133। मैं जोर से पढ़ता हूं, आपको लगे मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं ताली बजाकर रोक लेना, पढ़ू जोर से, जरा बोलो पढ़ो, जरा ध्यान से सुनिएगा, जहां ठीक लगे वहां ताली मारकर रोक दीजिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा बैंक योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, फसल बीमा योजना, ग्राम सिंचाई योजना, मेक इन इंडिया, एम्बुलेंस सर्कल, स्वच्छ भारत, अरे भैया अभी 14 हुए, ऐसे 133 योजनाएं युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, 133 योजनाओं का गुलदस्ता नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। मित्रों, 2019 के चुनाव में मैं आसाम की भूमि से न केवल आसाम, सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मतदाताओं को अपील करने आया। 55 साल तक कांग्रेस ने काम किया, सत्ता पर रही, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट को आज शांत बनाने का काम किया, एक भी गोली नहीं चली। रोड से जोड़ने का काम किया, रेलवे से जोड़ने का काम किया, ब्रिज से जोड़ने का काम किया, हवाई जहाज से जोड़ने का काम इन नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। एक और 5 साल नॉर्थ ईस्ट की जनता को और आसाम की जनता को मोदी जी को देना है। सरकार तो बनने वाली है, मगर मैं अपील करने आया हूं कि इस बार सरकार बने तो देश भर के अखबार लिखे कि ये सरकार मोदी जी की बनी है, वो आसाम और नॉर्थ ईस्ट की जनता के कारण बनी है, ऐसा परिणाम लाना है। मित्रों, आप बताइए, इतने सारे लाखों लोग खड़े हैं, 2019 में फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए तैयार है क्या आप? जोर से बोलिए, तैयार है? फिर से मोदी सरकार बनाएंगे? नॉर्थ ईस्ट की सभी सीट कमल के निशान वाली लाएंगे? मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे? सिटीजन अमेंडमेंट बिल को मोदी जी फिर से लाने वाले हैं, इसको आसाम के जन जन तक ले जाएंगे? जोर से बोलो, ले जाएंगे? एक एक घुसपैठियों को निकालने के लिए कटिबद्ध होंगे? नए घुसपैठिए ना आए ऐसा आसाम बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, मैं बोलूंगा फिर एक बार, आप बोलोगे मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भारत माता की।